हेलो, वेलकम बैक टू एपेक्स आर्किटेक्ट्स। मैं आपके लिए न्यू रेजिडेंशियल फ्लोर प्लान लेकर आया हूँ। इस प्लॉट का गाइस जो हमारा फ्रंट रहेगा वो हमारा इसका 33 फीट का रहेगा और जो इसकी डेप्थ रहेगी वो हमारी इसकी 54 फीट की रहेगी। अब गाइस मैं आपको थोड़ी इसकी रिक्वायरमेंट बताने जा रहा हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट हमारी क्या क्या रहेगी। दो इसमें हमारे बेडरूम रहेंगे, एक बेडरूम ये रहेगा और सेकेंड बेडरूम हमारा इसमें ये रहेगा, और एक इसके अंदर हमारी किचन ये रहेगी और एक सेकंड किचन हमारी इसमें ये रहेगी, एक इसके अंदर हमारी लॉबी रहेगी और डाइनिंग टेबल भी इसी में रहेगी, और एक इसके अंदर हमारा डाइनिंग रूम रहेगा ये और सेकंड डाइनिंग रूम रहेगा ये, और एक इसमें हमारा पॉच रहेगा। ठीक है गाइज, अब गाइज मैं फुल डिटेल आपको इसकी बताने जा रहा हूँ, इसकी फुल डिटेल हमारी क्या क्या रहेगी। ठीक है गाइज, हमारा जो मेन एंट्रेंस रहेगा गाइज वो हमारा इसका यहाँ से रहेगा, बीच से रहेगा। ठीक है गाइस, और दो इसके पोर्शन रहेंगे, एक हमारा लेफ्ट में रहेगा और एक हमारा राइट में रहेगा, और इससे राइट वाला जो फ्रंट रहेगा वो जो हमारा ओपन छोटा हुआ है इसमें हमारी 5 फीट की छोटी हुई है, और सेकंड में भी हमारी 5 फीट की छोटी हुई है। जो हमारा पॉर्च है जो उसका साइज़ रहेगा वो 9 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 15 फीट 4 इंच की रहेगी, और जो हमारा स्टेयर का रहेगा वो हमारा इसका यहाँ से रहेगा पॉर्च से, और जो हमारा पार्किंग एरिया रहेगा वो हमारा इसका यहाँ पर 2 कार आ जाएगी। ठीक है गाइज, अब गाइज जो हमारा डाइनिंग रूम रहेगा इसका जो डोर रहेगा वो यहाँ से रहेगा और सेकंड डोर जो रहेगा वो लॉबी से यहाँ से रहेगा। ठीक है, और जो डाइनिंग रूम का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 10 फीट 10 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 6 इंच की रहेगी, और जो इसके अंदर हमारा सोफ़ा सेट रहेगा वो सोफ़ा सेट हमारा गाइस इसका यहाँ से रहेगा, और जो उसकी हमारी विंडो रहेगी वो विंडो हमारी इसकी यहाँ पर ओपन से रहेगी। ठीक है गाइस, और इससे अटैच हमारी ये टॉयलेट रहेगी गाइस, इसका डोर गाइस हमारा इसका यहाँ से रहेगा, और जो टॉयलेट का साइज़ रहेगा वो हमारा 7 फीट की लंबाई और चौड़ाई इसकी 4 फीट की रहेगी, और सेकेंड डोर इस ओपन से यहाँ से हमारा ये रहेगा। ठीक है गाइस, और ये हमारा ओपन जाल रहेगा, इस ओपन जाल का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 7 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 3 फीट की रहेगी, ताकि इसका वेंटिलेशन भी रहे हमारा टॉयलेट का, और इस किचन का भी वेंटिलेशन रहे, और इस लॉबी का भी हमारा वेंटिलेशन इसी ओपन से रहेगा। ठीक है, और इसके बराबर में हमारी ये लॉबी है, लॉबी का जो हमारा साइज़ रहेगा वो 16 फीट 9 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 12 फीट 6 इंच की रहेगी, और जो हमारी डाइनिंग टेबल रहेगी वो डाइनिंग टेबल हमारी इसकी यहाँ पर ये रहेगी। ठीक है, और जो हमारा इसका एक किचन रहेगा, किचन का डोर यहाँ पर रहेगा, और इसका जो वेंटिलेशन रहेगा वो इस ओपन से यहाँ से रहेगा, और जो किचन की जो स्लैब रहेगी वो हमारी 2 फीट की ये रहेगी, ये हमारी 2 फीट की स्लैब रहेगी, और जो हमारा इसका किचन का साइज़ रहेगा 7 फीट की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 7 फीट 6 इंच की रहेगी चौड़ाई। ठीक है गाइस, और जो हमारा बेडरूम रहेगा गाइस वो बेडरूम इसका हमारा इसका यहाँ से रहेगा, और जो बेडरूम का साइज़ रहेगा वो 15 फीट 7 इंच की लंबाई रहेगी और चौड़ाई इसकी 11 फीट 6 इंच की रहेगी, और जो हमारा बेडरूम रहेगा वो बेडरूम हमारा इसका गाइस यहाँ से यहाँ पर ये बेड रहेगा, और इसमें जो एलसीडी रहेगी एलसीडी सेट हमारा इसका गाइस यहाँ पर रहेगा, और जो गाइस इसकी हमारी अलमीरा रहेगी ये हमारी 2 फीट की रहेगी। ठीक है, और जो हमारा टॉयलेट है इसका डोर यहाँ पर रहेगा। ठीक है गाइज, और जो टॉयलेट का साइज़ रहेगा वो हमारा 8 फीट 6 इंच की लंबाई और चौड़ाई इसकी 5 फीट की रहेगी। ये गाइज हमारा टॉयलेट भी रहेगा और ये हमारा बाथरूम भी रहेगा, इसके दो पोर्शन रहेंगे। ठीक है गाइज, और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो हमारी ओपन से यहाँ से रहेगा, और इस डाइनिंग रूम के हमारे एक डोर यहाँ से रहेगा लॉबी से, और सेकेंड डोर हमारा इस ओपन से यहाँ से रहेगा, और जो इसका वेंटिलेशन रहेगा वो हमारा इस ओपन से यहाँ से रहेगा, और ये जो गाइज हमारा ओपन एरिया है ये हमारा गार्डन वगैरह भी यूज़ हो जाएगा, और ये हमारा वॉशिंग एरिया भी रहेगा और प्लांट्स वगैरह इसमें हो जाएंगे, और सेकंड जो हमारा डोर होगा वो इसका बैक से वो यहाँ से एक डोर यहाँ से होगा। ठीक है गाइज, और जो हमारा ये लेफ्ट वाला रहेगा गाइज पोर्शन इसमें भी हमारा सेम ही रहेगा, जो राइट पोर्शन था हमारा वही हमारा इसका लेफ्ट पोर्शन रहेगा। ठीक है गाइज, अब गाइज मैंने आपको सभी इसकी रिक्वायरमेंट बता दी है। ठीक है गाइज, आप सभी इसकी डिटेल मैंने आपको समझा दी है। अगर गाइज आपका प्लॉट साइज सेम यही है तो आप ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं, अगर गाइज आपका प्लॉट साइज डिफरेंस है और आपकी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंस है गाइज तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमारे से व्हाट्सअप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी आपका प्लॉट साइज़ होगा, उसकी डिटेल होगी, जो भी रिक्वायरमेंट होगी, आप हमें उसकी डिटेल व्हाट्सअप पर सेंड कर दीजिए, हम आपको उसको 24 घंटे में आपकी PDF फाइल सेंड कर देते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है गाइस, थैंक यू फॉर गाइस एपेक्स आर्किटेक्ट्स।